आरव सर, आप यहाँ क्यों आए? आरव सर प्लीज चले जाइए। सुची, हमने क्या किया? जो जो हमें बबली आंटी कह रही थी ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंटी ने अभी अभी कहा कि जिस इंसान ने हमें नौकरी दी, हमने उसी को जकड़ना चाहा। आपको लगता है हम आपके परिवार में फूट डालेंगे? आरव सर, हमने आपसे प्यार किया, आपके पैसों से नहीं। आप प्लीज यहां से चले जाइए, प्लीज, हम आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहते। बस सुची, तुम जानती हो ना माँ को, माँ के गुस्से को। तुम जानती हो ना माँ मानसी के लिए कितनी पॉजिटिव है। सुची, यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, प्लीज ये सारी बातें भूल जाओ। पहले भी हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमने सॉल्व की ना, आगे भी करेंगे। चलो अब नीचे चलो, सब लोग हमारी न्यू ईयर पार्टी का वीडियो देख रहे हैं, चलो नीचे। नहीं, हम नहीं आ सकते, हमारी मजबूरी है कि हम ये घर नहीं छोड़ सकते। वरना जो जो आज आंटी ने कहा है ना, वो सुनकर तो हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकते। जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनु ममताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देवे नी, रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, हां कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। वो देख रही है। कौन देख रही है? भूतू। बुलबुली, भूतू, तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये घर उसको तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें मार रहा था। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है। बुड़बुड़ी, हमें तुम्हें कुछ बताना है। क्या? हेलो हेलो, मिसेस अनंदिता बोस बोल रही है। कौन बात कर रहा है? ओ जी, माई सेल्फ जी, सितारा सिंह जी, सितारा सिंह जी बोलिए।
जी मैं ना एक जर्नलिस्ट हूँ जी और एक एनजीओ वास्ते काम करता हूँ। मैंने ना थोड़ा इंटरव्यू चाहिए है। उसके वास्ते मैं तेनु फोन किया। हमारा इंटरव्यू? जी वो आपकी बेटी पीहू है ना, उसका केस मैंने बहुत नजदीक से पढ़ा है और मैनू लगता है कि आपकी जो कहानी है ना वो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो आपकी बेटी के साथ हुआ है ना जी, मैनू लगता है कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैडम जी थोड़े सजेशंस, थोड़ी लाइफ मेरे एक इंटरव्यू वास्ते। बट आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। यू ओफो गोपाल, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हम लोग एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ओ जी मैडम जी, मैडम जी फोन मत रखिएगा जी। वो बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं तनु फोन किया जी। लिसन, आई रियली डोंट थिंक हमारी स्टोरी पूरी दुनिया को बताना इतना इंपॉर्टेंट है। ओ जी मिसेस आनंदिता बोस जी, एक गल कहनी है मैडम जी। मैनू लगता है कि आपकी पीहू के साथ जो हुआ है वो किसी और माँ बाप के साथ, उनकी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, हम आधे घंटे में अपने हस्बैंड के ऑफिस पहुंचने वाले हैं, आप हमसे वहीं मिल लीजिए, आपको हम एड्रेस मैसेज कर देंगे। एक काम को पूरा करने के चक्कर में तुम बहुत बड़ा सबूत निकलने दे रही हो सुची, पलट जाओ देख लो। अनंदिता मैम, मानसी नहीं अटैक किया। मानसी इस घर में पार्टी के बाद आई है, उससे पहले नहीं आई है। जल्दी से बताओ तुम्हारे फेवरेट टॉयज कौन से हैं? वो जग्गा, बग्गा, कुर्सी और टम टम। हाँ टम टम। तो हमें ना ये सारे टॉयज दुकान से खरीदने होंगे। इससे पहले कि तुम्हारी मम्मा ऑफिस पहुंचे हमें तुम्हारे पापा के कैबिन में रखना पड़ेगा, ताकि मम्मा को लगे कि पापा ने हमारे सारे फेवरेट टॉयज अपने पास रखे हैं। मतलब कि पापा हमसे बहुत प्यार करते है ना। हमारे साथ रह रहे कर ना हमारी भूतू भी बहुत स्मार्ट हो गई है। ये पापा को अच्छा लगेगा जब मम्मा देखेगी कि पापा के पास हमारे इतने सारे टॉयज होंगे। मम्मा को लगेगा कि पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं ये, और उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। भगवान इतनी प्यारी बच्ची सबको दे। बच्चे तो सारे प्यारे होते, हमारे ही दूसरे रूप होते हैं बच्चे। अच्छा भूतू एक सेकेंड, हमने ये तो बोल दिया कि हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सितारा सिंह बन के जाएंगे कैसे अगर पकड़े गए तो? बुरी, ने पूरा है तो करना तो पड़ेगा ही। ओ कुड़िये कैसे लग रहा हूँ? सिताजी बल्ले 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 बल्ले। चलो चलो बस हम ना कहीं पकड़े ना जाए। चलो चलते हैं। चलो अरे अरे भूतू वहां से ना अरब सर हमें देख सकते हैं। हम पीछे के दरवाजे से चलते हैं। चलो ओके। Thank you.
क्या कर रही है तू? मैं ना आरव देखो खेल रही हूँ, देखो खेल रही हूँ। हाँ दो मानसी दो, तुम खराब कर दोगी मेरा, मुझे खेलना। तुम खराब कर दोगी। हाँ मेरा है वो। तुम यहीं रहो और हम माँ को भेज दो और नो शैतान। पर मुझे इस डीवीडी को मुझे किसी भी हाल में गायब करना ही होगा। पर इस एक वीडियो की वजह से मेरा सारा सच उस सुची के सामने आ जाएगा। खुश हो जाएगी और उन्हें ना यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मा रुक जाएगी मम्मा। बुरबुरी, मम्मा तो पहले से ही है वो। हम लोग कैसे रखेंगे कि? बुतु, हम लेट हो गए। हमें कोई और रास्ता ढूंढ निकालना होगा। बुरबुरी, मैं जो करने पर जल्दी करो। मम्मा नाने के घर नहीं जानी चाहिए। बुड़बुड़ी, तुम ना हमारे सारे फेवरेट टॉयज वहाँ रख दो और बोलो कि पापा ने रख दिया था। नहीं नहीं भूतू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये सारे टॉयज उनके सामने रखेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा, तो फिर क्या फायदा? और फिर वो यकीन भी नहीं करेंगे। ओहो बुड़बुड़ी, हर बार तुम्हारा प्लान फेल हो जाता है। आई एम सॉरी भूतू, हमने तो पूरी कोशिश की ना। हे भगवान, प्लीज कोई चमत्कार कीजिए, प्लीज हमें कोई रास्ता बताओ। हमारी भूतू बहुत उम्मीदें लेकर आई है यहाँ। हम दोनों तो अच्छा करना चाह रहे हैं। प्लीज गोपाल, प्लीज प्लीज कोई चमत्कार दिखाओ। यहाँ पर छिपा कर रखा है अपने हमारी पीहू के सारे खिलौने। शोरा को तो मुझसे दूर कर लिया, कम से कम उसके खिलौने तो हमारे छिपाए नहीं, हमने सहेज कर रखे। यह
ये सारे खिलौने हमने उसे खरीद के दिए थे और रात रात भर बैठकर हमने खिलाया उसे। ये दोनों तो फिर से लड़ रहे हैं। तुम उन दोनों को लड़ने के लिए मना करो ना। मम्मा को बोलो ना कि पापा हमसे कितने प्यार करते हैं। जाओ ना। करते हैं कुछ। देखिए। ओ जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल माई सेल्फ सितारा सिंह जी ऑल द वे फ्रॉम जलंधर पंजाब। ओ जी वो गला खराब है साडा गला खराब है। मैं ना जर्नलिस्ट हूँ थोड़ा इंटरव्यू चाहिए आप दोनों का। आप किससे पूछकर अंदर आए? प्लीज जाइए यहाँ से। हमने इन्हें बुलाया था। हमें नहीं लगता कि अब हमें इंटरव्यू देना है इसलिए आप प्लीज चले जाइए। सही गल है जी सही गल है। आपको क्यों इंटरेस्ट होगा भला आपकी पीहू तो रही नहीं। कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं। वो मैनू लगता था कि मैं थोड़ा इंटरव्यू लूंगा और बाकी सारे पेरेंट्स को मदद मिलेगी वो भी वो गलती ना दोहराएंगे जो जो आप लोगों ने की है जी। पर ठीक ही है चलो मैं चलता है। रुकिए। ओ जी तुसी मैनू बोलिया। आइए अंदर आ जाइए। ओ जी की गल है जी थैंक यू जी थैंक यू। जी पूछिए क्या पूछना है। जी माफ कीजिएगा वो आपको देख के लगता नहीं कि आप दोनों की शादी लव मैरिज होगी। जी मैनू लगता है कि आप लोगों की शादी बड़े बुजुर्गों ने जबरदस्ती अरेंज करवा दी होगी। अब जिस तरह से आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं ना जी मैनू तो ऐसा ही लगता है। या फिर वो किसी मैट्रिमोनियल साइट की पैदाइश होगी। क्यों है ना मैडम जी हमारी लव मैरिज थी हमने इन्हें कॉलेज में प्रपोज किया था। झूठ अब भी झूठ। इन्हें अप्रोच पहले हमने ही किया था शादी के लिए प्रपोज भी हम ही ने किया। ओफो बुबली ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? तुम तो अपने बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे बारे में पूछो ना। बोलो ना मम्मा को कि पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। तुम पूछो कि क्या पूछोगी? हाँ ये पूछो कि रात को हमने आइसक्रीम खाने कौन ले जाता था? जी जब रात को आपकी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन करता था तो आप दोनों में से कौन खिलाता था जी? बोलिए बोलिए। पीहू को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद थी और आनंदिता उसे देर रात को खाने नहीं देती थी ताकि उसे सर्दी ना हो जाए पर हमसे उसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता। जी ये तो बहुत ही अच्छी गल है जी। इसलिए ये दोनों हमसे छिप छिप कर रात में आइसक्रीम खाने चले जाते थे। पापा बहुत सारी बातें अब भी याद आती हैं। अच्छा बुबली अब तुम पूछो कि हमारे लिए घोड़ा कौन बनता था? ओ जी पीहू दे वास्ते घोड़ा हॉर्स हॉर्स कौन बनता था? हम बनते थे
सफेद शॉल ओढ़ के चेतक और काली शॉल ओढ़ के कालिया घोड़ा। बड़ी पूछते रहो तू, पूछते जब मम्मा पापा को छोड़कर कोलकाता नहीं जानी चाहिए।